नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बदहाल जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र जनपद सिद्धार्थनगर में विकास खंड भनवापुर के ग्राम पंचायत मुबारकपुर उर्फ फलफली में बना आंगनवाड़ी केंद्र अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। सरकार की कायाकल्प व ध्वस्तीकरण योजना नहीं पहुंचा इस जर्जर केंद्र पर। सरकार के दावे फेल, जिम्मेदार बेखबर। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री लगभग 5 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष में नामांकित बच्चों को पढ़ाने को है मजबूर। वर्तमान सत्र में 40 बच्चे हैं नामांकित। संयुक्त प्राथमिक व जूनियर विद्यालय मुबारकपुर के प्रांगण में घर बना जर्जर। आंगनवाड़ी केंद्र कभी भी हादसे का बना बन सकता है कारण। तैनात कार्यकर्त्री व सहायक अध्यापक ने जताई हादसे की आशंका। कहा, कभी बिगड़ सकता है जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र। बाल विकास परियोजना अधिकारी अभय सिंह ने कहा, समस्या की गंभीरता को देखते हुए मौके की जांच की जाएगी, समस्या के निदान के लिए उचित कार्यवाही होगी। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकलावती होता हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। किस गांव की? गिरिया मुबारकपुर। तो आप कहाँ तैनात हैं, किस आंगनबाड़ी केंद्र पर आपकी तैनाती है? मुबारकपुर फर्स्ट। तो इस आंगनबाड़ी को लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? जो है चाहते हैं कि फिर से दोबारा बन जाए तो यहाँ ठीक रहेगा, वहाँ बच्चों को प्राथमिक मिले। तो इस आंगनबाड़ी में क्या दिक्कत है? एकदम जर्जर हुआ है, गिरा हुआ है, कब गिर जाए कोई पता नहीं है। तो कई साल से आप बच्चों को अतिरिक्त कक्ष में ले जाके पढ़वा रही हैं? 4-5 साल से वहाँ पढ़ा रही हैं। और ये आंगनबाड़ी देखा जाए तो विद्यालय के प्रांगण में ही है, तो ऐसे में बच्चों को भी नुकसान होने का इससे डर है कि नहीं है? डर है। तो क्या चाहती हैं आप? दोबारा बन जाए। हाँ, आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम ब्रजकिशोर तिवारी है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुबारकपुर कम्पोजिट में मैं तैनात हूँ। मेरे बगल में ही एक जो है आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसकी हालत बहुत ही जर्जर। बगल के विद्यालय के कैंपस में ही है? हाँ, कैंपस में ही है, जिसकी जो है हालत बहुत जर्जर है। वो जो है यूज करने योग्य नहीं है। आंगनवाड़ी जो है अपने बच्चों को अतिरिक्त कक्ष में जो है पढ़ाती है, तो यही मेरी गुजारिश है कि वो कभी भी जो है गिर सकता है, कभी भी बच्चों को क्षति हो सकती है, तो उसकी जगह कोई नया आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया जाए तो ठीक रहे। तो आपके विद्यालय के बच्चे वहाँ तक जाते हैं खेलने वाले? हाँ, उसी कैंपस में है, तो जब ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम होता है, तो उसमें बच्चे उधर उधर घूमते भी हैं। बिल्कुल सटा हुआ है जो है विद्यालय से, यानी कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है? हाँ, कभी भी गिर सकता है। तो क्या इसकी शिकायत आपने कभी किसी से की थी? हाँ, शिकायत जो है बताए हैं कि जो है कभी भी गिर सकता है।